का बद्रीनाथ मंदिर बना हुआ है, और आज एक मौलाना ये कहते हैं कि बद्रीनाथ बद्रुद्दीन शाह है, वो बद्रीनाथ मंदिर नहीं है। ये जो मुस्लिम भाई जो कुछ भी बोलते हैं ये बगैर सोचे समझे सारी बात करते हैं। मैं तो और भी ज्यादा कहूंगा तो ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो जब मुसलमानों ने एक पाकिस्तान मांग लिया, मुस्लिम कंट्री मांग लिया, यहाँ पर हिंदू बचे थे। ये देश टोटल हिंदुओं का होना चाहिए, हिंदुओं का होना चाहिए और हिंदुओं का होना चाहिए, इसका नाम हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कह दिया क्या मतलब हुआ, तुम्हारी सत्ता जाति दिख रही, तुम देश को दूसरे को रजिस्टर कर दोगे, दूसरे को दे दोगे, दान कर दोगे, खैरात कर दोगे, है? ये कोई तरीका नहीं हुआ, ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी ये देश को बर्बाद करके छोड़ेगी, कि उनकी बरातें नहीं चढ़ने दोगे, उनको चारपाई पे नहीं बैठने दोगे, उनके खाना पीना नहीं खाओगे, तो फिर लोग एक साथ कैसे आएंगे? सब उनके मंदिरों में पुजारी होने चाहिए, उनके मठाधीश होने चाहिए, उनको जो और समाज के लोगों को, जो उच्च वर्ग के लोगों को जो सुविधा, जो सम्मान मिलता है, हमारे निम्न वर्ग को वही सम्मान मिलेगा, तब हम एक समिति या एक ढांचे में ढल सकते हैं। तो नाम के आगे हिंदू जोड़ेंगे या जाति जोड़ेंगे? हिंदू जोड़ेंगे बिल्कुल। अब मैं पूछता हूँ आपका नाम क्या है? विजय हिंदू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे। अगर ऐसे ही एक एक लोग बदलाव करते रहे, एक एक लोग सुधरते रहे, तो हमारा सनातन समाज को एक होने से, हमारे सनातन समाज को एक होने से कोई नहीं। जानना चाहता हूँ आपसे कि वक्फ बोर्ड में वो सुधार जो सरकार लेके आ रही है, करने चाहिए नहीं करने चाहिए? मेरा मानना यह है कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है, यहाँ वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वक्फ बोर्ड की आवश्यकता वहां पड़ेगी जैसे किसी विदेशों में ये चीज नहीं है, तो हिंदुस्तान में होने का क्या मतलब है इसका? बिल्कुल सही बात है, विदेश में जिसने मुस्लिम कंट्री भी है ना सर, वहां पर भी वक्फ बोर्ड नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में ये बनाया गया है। इस बोर्ड को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, और जो हमारे साधु संत, जो हिंदुओं के साधु संत हैं, वो अगर जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारा सनातन संघर्ष बोर्ड बनना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ ये खत्म होना चाहिए और उनका भी नहीं बनना चाहिए। ये देश सभी लोगों का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का, सबका, और सबका समान अधिकार है। यहाँ एक देश और एक कानून होना चाहिए, दोहरा कानून नहीं होना चाहिए। दरअसल देखिए सर, मैं आपको बता दूं, ये वक्फ बोर्ड जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, उसमें कुछ सुधार किए जा रहे हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड अगर आपकी जमीन पर दावा कर देता है तो आप ना तो कोर्ट जा सकते हो, आपको वक्फ बोर्ड ही जाना पड़ेगा, उन्हीं के पास अर्जी देनी पड़ेगी। ये एक देश एक कानून, कोई वक्फ बोर्ड का अगर कोई व्यवस्था ऐसी है कि वही सुनेंगे, वही कोर्ट है, वही जज है, वही वकील है, ये व्यवस्था देश के बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं, एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने दावा किया है कि जो हमारा बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, और वो बद्रीनाथ धाम नहीं है, वो बद्रुद्दीन शाह है, तो ये वक्फ बोर्ड को वापस करना चाहिए। उन्होंने कहा हिंदू इसे खाली करो। ये मुस्लिम लोग झूठ का सहारा ज्यादा लेते हैं, नहीं होना चाहिए। जब क्या ये तो इस तरह से तो सारी हिंदुस्तान की जमीन सारी हथिया लेंगे, इसका मतलब अपने वक्फ बोर्ड की कहने पे ये तो सारे हिंदू, ये तो कह रहे थे संसद बनी हुई है वो भी वक्फ बोर्ड के उस पर है, जो हवाई अड्डा बना है वो भी वक्फ बोर्ड के वो है, तो इस तरह से तो अब ये कितने जमाने पुरानी बात है। अब ये लागू ये कह रहे हैं कि ये सब हमारी जमीन है। अब आप ये देखिए ना कि बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ धाम कब का बना हुआ है, जब शायद यहाँ पर मुस्लिम समुदाय आया भी नहीं था, उससे पहले का बद्रीनाथ मंदिर बना हुआ है, और आज एक मौलाना ये कहते हैं कि बद्रीनाथ बद्रुद्दीन शाह है, वो बद्रीनाथ मंदिर नहीं है। ये जो मुस्लिम भाई जो कुछ भी बोलते हैं ये बगैर सोचे समझे सारी बात करते हैं। ये देश, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि ये देश हिंदुस्तान है, ये सारी जमीन पे एक एक इंची पर यहाँ की सरकार का अधिकार है, ये सरकारी जमीन है, ये किसी अपनी निश्चित संस्था है, उनका इसमें कुछ भी नहीं है, ना होना चाहिए। एक देश एक कानून, एक देश एक कानून हिंदुस्तान है, इसको मैं तो और भी ज्यादा कहूंगा तो ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो जब मुसलमानों ने एक पाकिस्तान मांग लिया, मुस्लिम कंट्री मांग लिया, यहाँ पर हिंदू बचे थे। ये देश टोटल हिंदुओं का होना चाहिए, हिंदुओं का होना चाहिए और हिंदुओं का होना चाहिए, इसका नाम हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कायदे में। तो बिल्कुल सही बात है, और आजकल तो हमारे कई सारे साधु संत इसकी डिमांड भी कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा का नाम सुना होगा आपने? हाँ।
हाँ बहुत बहुत अच्छी तरह से बागेश्वर बाबा को जानता हूँ। और उन्होंने एक पहल की है कि जितने भी हमारे हिंदू समाज के लोग हैं वो अपने नाम के पीछे अपनी जाति ठाकुर ब्राह्मण मिश्रा ना लिखकर अगर वो खुद को सनातनी हिंदू लिखें तो ये कैसा रहेगा? ये बहुत बढ़िया रहेगा, समर्थन करते हम उनका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। जो वो कह रहे हैं हम उनके साथ हैं, तन मन धन से सब कुछ लगा देंगे अगर ऐसा होता है तो, और हम सबको इकट्ठा करेंगे सब। जहां जहां जाएंगे, मैंने भी एक सनातन धर्म संस्था रक्षा समिति बना रखी है और वो मेरी समिति बहुत अच्छी चल रही है। मैं चाहता हूं हम किसी के धर्म में इंटरफेयर करना नहीं चाहते, लेकिन एक तरफा जो हो रहा है, जैसे सोनिया जी और मनमोहन सिंह 1914 में जो सरकार उनकी गई थी तो उन्होंने देश की 131 संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड के नाम कर दी थी वो बिल्कुल नाजायज है, वो खत्म होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारी सत्ता जाति दिख रही, तुम देश को दूसरे के रजिस्टर कर दोगे, दूसरे के दो दोगे, दान कर दोगे, खैरात कर दोगे, हैं? ये कोई तरीका नहीं हुआ, ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी ये देश को बर्बाद करके छोड़ेगी, क्यों कि ये जो भी कुछ करते हैं सारे सब उलट पुलट करते हैं, देश की अच्छी व्यवस्था को भंग करने के मन बना रखा है इन्होंने। ये जो इन्होंने ये DPA DDA पता नहीं क्या बना रखा है, ये देश विरोधी गतिविधियां चलाते हैं, देश विरोधी काम करते हैं, देश को ये बिल्कुल खड्डे में ले जाना चाहते हैं। अभी सर हमारे जैसे एक वक्फ बोर्ड है, इसी तर्ज पे हमारे जो बागेश्वर बाबा जी हैं, और सबसे पहले शुरुआत करी थी पवन कल्याण जी ने। पवन कल्याण आपको बता दूं साउथ फिल्मों के बहुत बड़े कलाकार एक्टर रहे हैं और अभी वो उप मुख्यमंत्री भी हैं, चुनाव जिन्होंने जीता है। उन्होंने कहा था कि सनातन सुरक्षा बोर्ड का निर्माण होना चाहिए ताकि जितना भी हिंदू समाज देश भर में बटा हुआ है जातियों में अलग अलग, वो सब एक छाया एक छत्र छाया के नीचे आ सके। इसको किस तरह से ले रहे हैं आप? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये संत हिंदू जो सनातन संघर्ष समिति जो भी कुछ बना रहे हैं, इसमें सबसे पहले जड़ में जाएं। जड़ में जाने का मतलब कि जो हरिजन समाज है हमारा, जो हरिजन दलित समाज है, उसको साथ जब लाओगे तो उससे समानता का व्यवहार आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि उनकी बराते नहीं चढ़ने दोगे, उनको चारपाई पे नहीं बैठने दोगे, उनके खाना पीना नहीं खाओगे, तो फिर लोग एक साथ कैसे आएंगे? सब उनके मंदिरों में पुजारी होने चाहिए, उनके मठाधीश होने चाहिए, उनको जो और समाज के लोगों को जो उच्च वर्ग के लोगों को जो सुविधा है जो सम्मान मिलता है, हमारे निम्न वर्ग को वही सम्मान मिलेगा, तब हम एक समिति या एक ढांचे में ढल सकते हैं, वरना उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो हमारा, मेरा नाम LS बघेल है जी। बघेल साहब आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरह से हमारे जो हमारे ST OBC समाज को लोगों ने दबा रखा है, उसको अगर ऊपर उठाया जाए, उनको मान सम्मान दिया जाए, तो ये हमारा जो हिंदू समाज जो बटा हुआ है बहुत जल्दी एक हो सकता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जो सर ने कहा है बघेल साहब ने कि हमारा जो समाज जिनको दबा रखा है लोगों को, उनको कैसे उठाया जा सकता है, कैसे ऊपर लाया जा सकता है? नहीं, जो उन्होंने कहा ठीक ही कहा है और उनकी बात से मैं भी सहमत हूँ। इसका समर्थन मैं ऐसे करना चाहूंगा कि जो हमारे बघेल साहब ने कहा है कि जो हमारा समाज यानी कि जो सवर्ण समाज है, जिन्होंने हमारे ST OBC समाज को अपने सम्मान नहीं दिया है, उनको मंदिरों में मठाधीश या फिर कह लीजिए पुजारी नहीं बनने दिया है, अगर ये सवर्ण समाज की जिम्मेदारी है, अगर वो ये छोड़ दें, ऊंच नीच का भेदभाव करना छोड़ दें, तो मुझे लगता है हिंदू समाज सनातन समाज बहुत जल्दी एक हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब तक आप इस भेदभाव को नहीं खत्म करोगे, हिंदू समाज एक मंच पर नहीं आ सकता। और इस भेदभाव भाव को सवर्ण जाति के जो लोग भेदभाव करते हैं, ये वही मिटा सकते हैं, क्योंकि साथ बिठाएंगे, साथ खिलाएंगे, साथ गांव में शादी ब्याह होगे, उनके आओगे जाओगे, खाना पीना करोगे, उनको जब सम्मान मिलेगा कब वो सोचेंगे, लोग दलित लोग वर्ग सोचेंगे इस बात को कि भाई ये लोग अब हमारे में समानता की बातें कर रहे हैं, समानता का व्यवहार कर रहे हैं, तो वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और जब उनका आप अपमान ही करते रहोगे, अपनी चारपाई पे नहीं बैठने दोगे, अपने पास नहीं खड़े होने दोगे, उनसे अभद्र व्यवहार करोगे, उन्हें अपने खेत में नहीं आने दोगे, उनको
उनकी महिलाओं के साथ जैसे हाथरस कांड हुआ था उस तरह से व्यवहार करोगे तो फिर तो एक होने का मतलब ही नहीं होता। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही और इसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि अगर हमारा सवर्ण समाज चाह ले वो ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा दे, हिंदू समाज को एक होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक बात ये भी है साहब, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो विपक्षी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो अखिलेश यादव हों, ये लोग ज्यादा ही जातियों में विभाजित करते हैं। आज समाज एक हो रहा है, आज वो ऊंच नीच की भावना कम हो रही है, क्या कहेंगे आप? थोड़ी बहुत कम। मैं तो भारत के जनता से, मैं भारत की जनता से अपील करता हूँ, जो हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं, जो हिंदू विरोधी बातें करते हैं, उन लोगों को, इन लोग जो पार्टियां हैं, जैसे जो भी पार्टियां हैं देश में, जैसे कांग्रेस है या अखिलेश भाई की पार्टी है, इन पार्टियों को नकार देना चाहिए बिल्कुल। जो हमारा बुरा चाहते हैं, हिंदू समाज का बुरा चाहते हैं, उन पार्टियों को छोड़ देना चाहिए, उनको कभी वोट नहीं देना चाहिए। ये परिवारवादी पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टी है। एक एक परिवार से 50-50 MLA MP चेयरमैन, ये कहाँ का नियम है स्वतंत्र भारत के अंदर, जो इस तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारा ही परिवार आगे चलेगा, तुम्हारा ही परिवार MP बनेगा, तुम्हारा ही परिवार राज्यसभा का मेंबर बनेगा। ये देश को लूट रखा है इन लोगों ने, परिवारवाद बना के नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और अब आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो दर्शक जो हमारे चैनल को देखते हैं उनको बताना चाहूंगा कि जो हमारे बघेल साहब ने जो बात कही है कि ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना चाहिए, और इसकी शुरुआत हमारे RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने कर दी है। उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा है, एक लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि जब वाल्मीकि जी ने रामायण पूरे समस्त सनातन हिंदू समाज के लिए लिखी है, तो फिर वाल्मीकि जब त्यौहार आता है, वाल्मीकि जी की जयंती आती है, वो सिर्फ वाल्मीकि बस्तियों में ही क्यों मनाई जाती है, क्यों वो ब्राह्मण बस्ती में नहीं मनाई जाती, क्यों वो? वाल्मीकि जी के ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि वाल्मीकि जयंती पे सभी लोग, श्रवण जाति के लोग, दलित जाति के लोग, सभी मिलजुल करके गाँव में भी वाल्मीकि जयंती मनाते थे, और गाँव में रथ यात्रा, वाल्मीकि जो समा वो दाढ़ी बाड़ी लगा के, तिलक छापे करके, रामायण लेके, गुटका लेके, गीता लेके, वो पूरी परिक्रमा करते थे हर गांव के अंदर। लेकिन जब से वाल्मीकि लोगों ने, हरिजन समाज ने जब ये दावा किया है कि ये तो वाल्मीकि तो हमारे बिरादरी के थे, उस दिन से सवर्ण जाति ने ये वाल्मीकि जयंती मनाना बंद कर दिया, और ना इनके कोई वाल्मीकि जयंती पे कोई शामिल होता है। तो ये कितना बड़ा भेदभाव है। जब तक ये भेदभाव नहीं मिटेगा, जब तक ये भेदभाव नहीं मिटेगा, हिंदू समाज एक मंच पर नहीं आ सकता। पहले किसी, अगर किसी पेड़ को सुखाना है तो उसकी जड़ें काटनी होंगी। जब तक आप जड़ नहीं काटोगे उस पेड़ की, वो पेड़ नहीं सूखेगा, फिर हरा हो जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये दोनों तरफ से ही होना चाहिए, चाहे वो हमारे वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो हमारा सवर्ण समाज हो। हिंदू समाज में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी साधु संत हैं, वो सभी के हैं, किसी जाति के नहीं है, किसी सवर्ण के नहीं है, किसी ST OBC के नहीं है, वो सिर्फ एक सनातनी हिंदू के देवी देवता हैं। और ये आप कह रहे हैं, इसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। हमारे बीच में कुछ और भाई भी आए हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, इन लोगों से भी। हमारे में युवा पीढ़ी के हैं यहाँ पर। अभी मैं सर से सवाल पूछ रहा था कि सनातन धर्म को कैसे एक किया जा सकता है, हिंदू समाज को एकजुट कैसे किया जा सकता है, ऐसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए? साथ मिलकर करना चाहिए, और क्या। अच्छा, अभी बागेश्वर बाबा जी ने, और पवन कल्याण का नाम सुना आपने? पवन कल्याण का, पवन कल्याण जी साउथ फिल्म के बड़े एक्टर कलाकार रहे हैं, अभी वो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक नारा दिया था कि सनातन सुरक्षा बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। तो सनातन सुरक्षा बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उसके फायदे? फायदे तो सर मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इस चीज की, बाकी मैं इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। क्या नाम है आपका? विजय नाम है मेरा। विजय जी, नॉलेज रखना चाहिए थोड़ा सा, हमारे हिंदू समाज में नॉलेज नहीं होगी तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। और बागेश्वर बाबा जी ने कहा है कि हम लोग एक जाति को छोड़कर हिंदू समाज एक हो, अपने आप अपने नाम के पीछे हिंदू या सनातनी बोलना बहुत जरूरी है, तो क्या उसका समर्थन करते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कल को अगर आपसे कोई नाम पूछेगा तो नाम के आगे हिंदू जोड़ेंगे या जाति जोड़ेंगे? हिंदू जोड़ेंगे, बिल्कुल। अब मैं पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? विजय हिंदू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे। अगर ऐसे ही एक एक लोग बदलाव करते रहे, एक एक लोग सुधरते रहे, तो हमारा सनातन समाज को एक होने से, हमारे सनातन समाज को एक होने से। और ये बात सच है सर कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी जी ने कहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल राजनीतिक नहीं हूँ। राजनीतिक इसमें
राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है। अब आप देख लो कनाडा में आपने देखा है, ठीक है, लेकिन मैं बाकी ही मैं नहीं बोल पाऊँ किसी मामले में। चलिए कोई बात नहीं, एक इंग्लिश में एक कहावत है कि यूनियन इज स्ट्रॉन्ग, एकता में बहुत शक्ति होती है। एक झाड़ू की तिल्ली से आप झाड़ू घर में नहीं लगा सकते हो, जब अलग अलग तिल्लियां इकट्ठी करके एक मुठ बांध देते हो उसको, तो आप घर में झाड़ू लगा दोगे, पड़ोसी के झाड़ू लगा दोगे, यानी साफ सफाई कर सकते हो आप। बहुत इस वजह से आप संगठन संगठित रहो, संगठित हो और भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बघेल साहब। आप लोग इस पर क्या विचार रखते हैं, आप हमें बताएं कि सनातन समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा सवर्ण समाज है वो ऊंच नीच की भेदभाव को अपने मन से निकाले और जितने भी हमारे नीचे तबके के लोग हैं, चाहे वो SC हैं, चाहे ST हैं, चाहे OBC हैं, उन सभी को बराबर का सम्मान, बराबर का दर्जा देना चाहिए, तभी हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज एक हो सकता है और एक सूत्र में बन सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। जय श्री राम।